हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री और हॉलीवुड में भी काम करने वाले एक्टर इरफान खान की डेथ हो गई है। उनको एक डिफरेंट किस्म की बीमारी थी जिसका नाम है न्यूरो एंडोमिक ट्यूमर। ये एक डिफरेंट किस्म का कैंसर है जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं होता है। 2018 में ये बीमारी उनकी डायग्नोज हुई थी। 28 अप्रैल को कल वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में मुंबई में, और आज उनकी डेथ हो गई। यकीनन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। 2018 में जब उनकी ये बीमारी डायग्नोज हुई थी तो उन्होंने ये अल्फाज लिखे थे, आई ट्रस्ट आई हैव सरेंडर्ड। ये वो अल्फाज हैं जो इरफान खान ने 2018 में अपनी बीमारी के बारे में बात करते हुए लिखे थे। इरफान खान को मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स और एक्टर ऑफ इंप्रेशंस भी कहा जाता है। खान 2019 में पूरा साल कैंसर की बीमारी के साथ इलाज में मुब्तला रहे हैं। अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने ये लिखा कि किसी इंसान के पास पॉजिटिव रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। इरफान खान की वालिदा 25 अप्रैल को फौत हुई, और उनका जो जनाजा है उस पे इरफान खान को वीडियो लिंक के जरिए शामिल होना पड़ा। इरफान खान अपनी सबसे पहली फिल्म 1988 में बनाई जाने वाली सलाम बॉम्बे में अपियर हुए। शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाने वाली मूवी दी वॉरियर्स हैं। इसके अलावा मगरबी प्रोजेक्ट्स, वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए उसमें स्लम डॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, दी दार्जिलिंग लिमिटेड और बहुत मशहूर जमाना फिल्म जुरासिक वर्ल्ड शामिल है। नो डाउट द वर्ल्ड इज बियरिंग अ ग्रेट लॉस टुडे। बॉलीवुड और हॉलीवुड से एक चमकता सितारा जो कि अपने हल्के पीछे से जा रहा है।